प्रदेश में पहली बार ग्रामीण जनप्रतिनिधियों को वैक्सीन लगवाने का कैंप झुंझुनू के नवलगढ़ में आयोजित किया गया। नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा की प्रेरणा से प्रधान दिनेश सुंडा ने पंचायत समिति परिसर में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन करवाया, जिसमें प्रधान को पहला टीका लगाकर इस कैंप का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर जिला परिषद सदस्यों, पंचायत समिति सदस्यों, सरपंचों, उप सरपंचों के साथ साथ उनके प्रतिनिधियों और कर्मठ कार्यकर्ताओं के भी टीके लगाए गए। प्रधान दिनेश सुंडा ने बताया कि कोरोना काल हो या फिर गांव ढाणी में आने वाली कोई भी अन्य समस्या हो, हर समय ग्रामीण प्रतिनिधि और उनके कार्यकर्ता हर वक्त तैयार रहते हैं। ऐसे में वे भी किसी कोरोना वॉरियर से कम नहीं हैं। इसलिए विधायक डॉक्टर शर्मा से चर्चा करने के बाद ये निर्णय लिया गया है कि अलग अलग चरणों में कैंप लगाकर जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को टीके लगवाए जाएंगे ताकि उन पर कोरोना संक्रमण का खतरा कम हो। उन्होंने बताया कि चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से बातचीत चल रही है। वैक्सीनेशन की उपलब्धता के अनुसार जल्द ही पंच स्तर के जनप्रतिनिधियों के लिए भी योजनाबद्ध ढंग से कैंप लगाए जाएंगे। दिन भर चले कैंप में खुद प्रधान दिनेश सुंडा ने एक एक जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ताओं का वैक्सीनेशन करवाया। साथ ही उन्होंने सभी से संकल्प लिया कि वे अपने अपने गाँव और ढाणी को कोरोना मुक्त बनाने में विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा व उनकी मुहिम को मजबूत करेंगे। कुल 230 लोगों का टीकाकरण किया गया। शिविर का डॉक्टर शर्मा ने भी जायजा लिया। हमारे पंचायत समिति परिसर में पहले भी वैक्सीनेशन का शिविर आयोजित किया गया था, लेकिन फिलहाल पूरे प्रदेश में आप सबको बताया देश में वैक्सीनेशन की डोज कम आ रहे हैं और इस बार जो कोरोना की सेकेंड लहर है वो लहर सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में इफेक्ट डाल रही है और हमारे साथी सरपंचगण हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, जिला परिषद सदस्य हैं और पंच हैं, ये के सारे लोग फ्रंट में रह के और लोगों की सेवा कर रहे हैं और कहीं कहीं ये और इनका परिवार चपेट में आ रहा है। तो हमने अभी परसों जब वीसी थी माननीय प्रभारी मंत्री महोदय की, सुभाष गर्ग जी की, तो हमने उनसे निवेदन किया कि इनको भी आप फ्रंट में काम करने वाले वर्कर्स मानते हुए इनके भी वैक्सीनेशन की हमें परमिशन दी जाए। हमने जिला कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया था, उस समय हमारे माननीय विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी भी वीसी में बैठे थे, उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया और हमारा मनोबल बढ़ाया कि वास्तव में जनप्रतिनिधि जो रूट लेवल पर काम कर रहे हैं उनके भी आप लोगों को वैक्सीनेशन करना चाहिए। तो आज कल हमें इस बात की परमिशन मिल गई जिला कलेक्टर महोदय की तरफ से, क्योंकि एक बार डोज की संख्या काफ़ी कम है, उपलब्धता कम है, तो एक बार पहले चरण में हमारे जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और आपके उप सरपंच, इनको चार कैटेगरी को और प्रधान, इनको चार पांच कैटेगरी को रखा गया है। द्वितीय चरण में हमारे जो भी पंच हैं, हमारे नगर पालिकाओं के पार्षद हैं और हमारे जो चेयरमैन हैं, इन सबको भी द्वितीय चरण में जोड़ के अगला जब कैंप लगाएंगे जल्दी ही उसमें इन लोगों को जोड़ लिया जाएगा। इसके पीछे केवल हमारी मंशा यही है, जो लोग फील्ड में काम करते हैं उनको हमें सुरक्षा कवच देना चाहिए। मैं तो साथ साथ केंद्र सरकार से एक निवेदन आपके माध्यम से और भी करना चाहूँगा, क्योंकि आज इस सेकेंड लहर में मेरे युवा साथियों के साथ बड़ी कैजुअलिटियाँ हो रही हैं, तो जो 18 से 45 साल वाला जो डोज वाला सिस्टम है 44 वाला, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा डोज जल्दी से जल्दी भेजें और हमारे युवाओं को एक सुरक्षा कवच प्रदान करें। आपको मैं बता दूं कि पूरी टीम का एक ही सपना है कि कोई भी व्यक्ति भूखा उठ सकता है लेकिन हमारे क्षेत्र में भूखा सोएगा नहीं, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर है, चाहे वो झुग्गी झोपड़ियों वाले हों, चाहे अन्य कोई गरीब तबके के लोग हों। आज मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, मेरे ग्रामीण क्षेत्र के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो बिल्कुल सजग प्रहरी की तरह लगे हुए हैं कि एक भी गांव और ढाणी में किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। चाहे प्रशासनिक मदद नहीं भी मिलेगी तो भी गांव के लोग उनको भूखा नहीं सोने देंगे। दूसरी बात, शहरी क्षेत्र में पूरा नगर पालिका प्रशासन और माननीय विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा पिछले 7 दिन से क्षेत्र में रुके हुए हैं, एक एक स्थिति को नजर कर रहे हैं और प्रशासनिक मदद के साथ साथ व्यक्तिगत स्तर पर भी लोगों की मदद कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि एक भी व्यक्ति अपने आप भूखा नहीं सो सकता।